1995 में रिलीज हुई फिल्म करण अर्जुन, जिसके लीड एक्टर थे सलमान खान और शाहरुख खान। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था और यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे राकेश रोशन। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि राकेश रोशन इस फिल्म में सबसे पहले करण अर्जुन के किरदार के लिए सनी देओल और बॉबी देओल को रखना चाहते थे, लेकिन उस समय सनी देओल अपने भाई की डेब्यू फिल्म बरसात की शूटिंग में काफी ज्यादा व्यस्त थे और वह चाहते थे कि उनके भाई की डेब्यू फिल्म काफी ज्यादा अच्छी रहे। इस कारण सनी देओल और बॉबी देओल ने राकेश रोशन के इस ऑफर को मना कर दिया था। सनी देओल चाहते थे कि बॉबी देओल के करियर की शुरुआत काफी अच्छी हो और वैसा हुआ भी। बरसात फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और बॉबी देओल का करियर ऊंचाइयां छूने लगा था। करण अर्जुन फिल्म को आए लगभग 27-28 साल पूरे हो चुके हैं और इतने सालों के बाद अब फिर से राकेश रोशन करण अर्जुन का सेकंड पार्ट बनाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राकेश रोशन एक बार फिर से करण अर्जुन में सनी देओल और बॉबी देओल को अप्रोच करना चाहते हैं। साल 1995 में आई करण अर्जुन की कहानी राकेश रोशन ने सनी देओल और बॉबी देओल को ध्यान में रखते हुए ही गढ़ी थी, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से सनी देओल और बॉबी देओल दोनों ही इस फिल्म में काम नहीं कर सके थे और फिर इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान को लिया गया था। राकेश रोशन एक बार फिर से इस कहानी के सेकंड पार्ट पर काम कर रहे हैं और इस सेकंड पार्ट में राकेश रोशन सनी देओल और बॉबी देओल को ही लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार भी सनी देओल और बॉबी देओल काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं। सनी देओल की अपकमिंग मूवी के बारे में बात करें तो सनी देओल की कई फिल्में इस साल रिलीज होने वाली हैं, जिसमें से गदर 2 2023 में रिलीज होने वाली है और सनी देओल सूर्या, बाप और अपने 2 की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी हैं। और वहीं बात करें बॉबी देओल की तो बॉबी देओल भी आश्रम वेब सीरीज और अपने 2 और श्लोक जैसी कई बड़ी फिल्मों के शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है 2023 के आखिर तक इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट राकेश रोशन कर दें और इस बार इस फिल्म में सनी देओल और बॉबी देओल ही होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बॉलीवुड की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।